एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जून। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एलडीसी के ऑल अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एलडीसी की पोस्ट पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली है और ये वैकेंसी कब आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में इसका एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगी, सैलरी भी बताऊंगी, एलडीसी की पोस्ट पे कितनी आपको सैलरी मिलेगी, इसमें एज लिमिट क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे बीपीएससी की हम लोग बात कर लेते हैं। बीपीएससी की तरफ से एलडीसी की वैकेंसी 2022 में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जाती है वो ज़्यादा तो नहीं रहती है, 50 वैकेंसी निकाली जाती है, पर इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। तो ये बीपीएससी एलडीसी की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है मार्च या फिर अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे DSSS भी, एलडीसी, स्टेनो और इसके अलावा और भी बहुत सारे वैकेंसी जो है वो DSSS की तरफ से जारी की जाती है। तो ये वैकेंसी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है इस साल में। यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट निकाली जाती है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है DDA, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी तरफ से भी यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट निकाली जाती है, इसमें यूडीसी की भी पोस्ट रहती है, जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पे निकाली जाती है, स्टेनो की और पटवारी की भी वैकेंसी आपकी रहती है। तो DDA की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली जाएगी। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मार्च में देखने को मिल सकता है, मार्च के आसपास इसकी वैकेंसी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एलडीसी की पोस्ट पर जॉब लेना चाहते हो तो ये सभी डिपार्टमेंट है और भी डिपार्टमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ऑल इंडिया जॉब रहती है आपकी। DDA की जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया जॉब आपकी रहती है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है HSSC LDC, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो LDC और क्लर्क की वैकेंसी 2022 में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहते हैं वो 3000+ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, 3000+ आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोनों को मिला करके। तो LDC और क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर रहती है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो RS, MSSB, LDC, JA, स्टेनो, वीडियो और पटवारी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर राजस्थान की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है LDC की, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो टोटल आपको वैकेंसी जो देखने को मिल सकती है वो 12,000 पोस्ट पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है। टोटल 12,000 वैकेंसी यहाँ पे मार्च या फिर अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जाती है राजस्थान की वो आपको यहाँ पे एक ही नोटिफिकेशन में या तो ये सभी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी या फिर अलग अलग इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। तो मार्च अप्रैल से इसकी जो नोटिफिकेशन हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्च और अप्रैल के महीने में आप लोगों को इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे DDC LDC वैकेंसी 2022, DDC यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इसकी तरफ से भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है LDC की। इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे PA का वैकेंसी रहता है, पर्सनल असिस्टेंट का, तो इसमें स्टेनो की वैकेंसी रहती है, बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे LDC की वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये सभी डिपार्टमेंट में जिसमें 2022 में आप लोगों को LDC की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आना कन्फर्म है। आप लोग अगर LDC की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट है, इनमें से किसी या किसी एक डिपार्टमेंट में आप लोगों की जॉब तो लग ही जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे 12th पास मांगा जाता है, आपने 12th किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट, और साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड आप लोगों से मांगी जाती है। यहाँ पे जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 27 साल रहती है। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है एज लिमिट जो है। बाकी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यही एज लिमिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है और एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है सभी में और आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या रहते हैं, तो इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, इसमें आपके रीजनिंग रहते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज रहता है यहाँ पे। तो ये सभी आपके एग्जाम पैटर्न रहते हैं, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे सैलरी की हम लोग बात करें तो Level 3 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलती है, 19,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है और जो आपकी मैक्सिमम सैलरी रहती है वो 63,200 तक रहती है, प्लस यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं।
तो ये है ऑल एलडीसी अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।